days to go and we'll dream impossible. Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Zara Vlog. गोवा भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। अगर आप भारत में विदेश जैसा अनुभव करना चाहते हैं, तो गोवा घूमने जा सकते हैं। गोवा अपने विदेश लाइफस्टाइल और खूबसूरत बीचों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने आते ही रहते हैं। यहाँ पर लोग हनीमून, फैमिली ट्रिप, दोस्तों के साथ ट्रिप, छुट्टी बिताने के लिए गोवा आते हैं। गोवा छुट्टी बिताने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। गोवा खासकर युवाओं के बीच ज्यादातर लोकप्रिय है। यहाँ का मस्ती भरा माहौल, एडवेंचर, बीच पे मस्ती, नाइट लाइफ, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर आने के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप गोवा घूमने जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि गोवा में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से गोवा के पर्यटन स्थल की जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज आखिर तक बने रहे, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। गोवा के 10 खूबसूरत पर्यटन स्थल, टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन गोवा। नंबर 1, बागा बीच। बागा बीच गोवा के फेमस बीचों में से एक है और घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यह बीच उत्तरी गोवा में स्थित है और अपने पानी के खेलों तथा नाइट पार्टी के लिए मशहूर है। इस बीच पर आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ जा सकते हैं। यह बीच अपने स्वादिष्ट समुद्री खाने के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप गोवा के नाइट क्लब का एंजॉय करना चाहते हैं तो इस बीच के आसपास आपको बहुत सारे नाइट क्लब मिल जाएंगे। यहाँ के नाइट क्लब में हमेशा भीड़ रहती है। बागा बीच कदम्बा बस स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अक्टूबर से फरवरी के महीने यहाँ पर घूमने के लिए आदर्श माने जाते हैं। नंबर 2, पालोलेम बीच। यह बीच गोवा में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी है। यह बीच दक्षिण गोवा, साउथ गोवा के कनाकोना में स्थित है। यहाँ पर आपको कतारों में लगे ताड़ के पेड़ देखने को बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बीच के किनारे ही लकड़ी की झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर ठहरने का आनंद ले सकते हो। यह जगह बहुत ही शांत है और यहाँ पर आपको लोगों के बीच थिरकने के लिए हेडफोन दी जाती है। यह बीच काफी शांत है और अगर आप शोर शराबे से दूर शांत बीच पर एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। नंबर 3, दूधसागर वाटरफॉल। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इस वाटरफॉल का पानी दूध की तरह सफेद है। यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो कि गोवा की मंडोवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 मीटर है। यह भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। यहाँ पर आकर आप हाइकिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर देशी और विदेशी लोग वाटरफॉल के नीचे पानी में नहाने के लिए आते हैं। इस वाटरफॉल का पानी दूध की तरह सफेद और साफ है। यहाँ पर मछलियाँ भी तैरती नजर आएगी। यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर है। यह वाटरफॉल मांडवी नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 1017 है तथा चौड़ाई 100 फीट है। यह जगह प्राकृतिक है और यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं। आपको बता दूं कि ट्रैकिंग करने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर लगभग 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग एक्टिविटी होती है। यह जगह पणजी से 71 किलोमीटर दूर है और आप यहां से बस, कैब, ऑटो के माध्यम से पहुंच सकते हो। वाटरफॉल के आसपास खाने की उचित व्यवस्था नहीं है तो आप खाने की चीजें साथ ही ले जाए। नंबर 4, बसिलिका ऑफ बॉम जीसस। गोवा आकर अगर आपने यहाँ के चर्च नहीं देखे तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। यह बहुत ही फेमस और शांत जगह है। ये चर्च ओल्ड गोवा में स्थित है। यह गोवा का सबसे मशहूर चर्च है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस
सेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है। यह गोवा का सबसे प्राचीन चर्च है और पानी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह जगह पणजी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप बस, ऑटो, कैब ले सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ एक या दो घंटे में ही घूम लेंगे। नंबर 5, श्री मंगेशी मंदिर। यह गोवा का बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन शिव मंदिर है। मंगेश भगवान शिव का ही एक रूप है। यहाँ पर भगवान शिवलिंग के रूप में स्थापित है। यह मंदिर गोवा की राजधानी से करीब 20 किलोमीटर दूर और मार्गो से 26 किलोमीटर मंगेशी गांव में स्थित है। इस शिव मंदिर की सबसे आकर्षित करने वाली चीज इसका 7 मंजिली दियो का टावर है। सोमवार के दिन इस मंदिर में भव्य आरती की जाती है तथा साथ ही भगवान शिव की पालकी निकाली जाती है। यह मंदिर पणजी के कदम्बा बस स्टेशन से 21 किलोमीटर दूर है। नंबर 6, अगौडा फोर्ट। 17वीं शताब्दी में बना यह फोर्ट गोवा में बहुत ही फेमस है। इसका निर्माण पुर्तगालियों ने 17वीं शताब्दी में किया था। अगर आपको ऐतिहासिक चीजें देखना पसंद है तो यहाँ घूमने जा सकते हो। इस जगह पर आप किसी भी मौसम में जा सकते हो। यह जगह देखने में काफी खूबसूरत है। समुद्र से जुड़ी होने से इस जगह पर आप समुद्र के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, यानी यहाँ पर एंट्री फी नहीं है। टाइमिंग की बात करें तो 9 से 6 के बीच आप यहां घूमने जा सकते हो। कंडोलम बीच के पास ही है, जो कि उत्तरी गोवा में है। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि इस किले में 23,76,000 गैलन पानी रखने की क्षमता थी। नंबर 7, आवर लेडी ऑफ द इमेक्युलेट कंसेप्शन चर्च, पणजिम चर्च। यह चर्च गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है, जो कि काफी खूबसूरत है। इस चर्च को चैपल के रूप में सन 1541 में निर्माण किया गया। इसके बाद 1600 में एक बड़े चर्च के रूप में स्थापित कर दिया गया। चर्च को सफेद कलर से रंग दिया गया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर आने के लिए आपको 78 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। आपको बता दें कि यह चर्च अपने 2 टावर और लंबे घंटे की वजह से पणजी में बहुत अधिक दूरी से भी दिखाई देता है। इस चर्च के ऊपर एक घंटी लगी है, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र है। इस चर्च में घूमने के लिए आपको कोई भी एंट्री फीस नहीं देनी है। इस चर्च में 8 दिसंबर को द आवर लेडी ऑफ द इमेकुलेट कॉन्सेप्ट का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस चर्च की डाबोलिम एयरपोर्ट से दूरी 28 किलोमीटर है। आप वहां पहुंचकर स्थानीय वाहन के जरिए यहां पर घूमने जा सकते हैं। नंबर 8, सिंक्वेरियम बीच। गोवा के फेमस बीचों में से यह भी एक बेहतरीन बीच है। यहाँ पर आकर आप पानी के खेलों का आनंद ले सकते हो और समुद्री तट पर मखमली रेत पर मस्ती कर सकते हो। यहाँ पर आप कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे डॉल्फिन, वाटर स्कीइंग, फिशिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और विंड सर्फिंग कर सकते हो। अगर आप बीच पर नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। बीच के आसपास कई बार और डिस्को जैसे द स्पोर्ट्स में बार, कैफे मैम्बो, काम की, द वर्ल्ड फेमस डेकेडस बार इत्यादि। यह बीच नॉर्थ गोवा में स्थित है, यानी उत्तरी गोवा में। बागा बीच से इसकी दूरी 8.8 किलोमीटर है। बीच के आसपास आप अगौडा फोर्ट, अंजुना बीच, कालांगुते बीच घूमने जा सकते हैं। नंबर 9, अंजुना बीच। गोवा में घूमने के लिए यह बीच भी काफी अच्छा है। यह बीच उत्तरी गोवा, नॉर्थ गोवा में स्थित है। यह बीच पणजी से 21 किलोमीटर दूर है। इस बीच पर आपको सारी सुविधाएं देखने को मिलती है। यहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हो और मजे कर सकते हो। अंजुना बीच का पिस्सू बाजार भी बहुत फेमस है, जहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट, फुटवेयर, वॉल हैंगिंग, मसाले, झूले और बेहतरीन कपड़े खरीद सकते हो।
यहाँ पर सैलानियों का आना जाना लगा ही रहता है। इस बीच पर स्पोर्ट्स सुविधा जैसे 80 फीट ऊंचे टावर से बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और विंड सर्फिंग भी उपलब्ध है। बीच के किनारे बैठने और सनबाथ लेने की उचित व्यवस्था है। इस बीच के आसपास का क्षेत्र कॉफी शॉप कैफे से भरा हुआ है। यहाँ पर आप रात में आराम से घूम सकते हो। इस बीच के पास अंजुना फ्लेम मार्केट, चपोरा किला और कर्लीज बीच शेक अंजुना घूमने की बेहतरीन जगह है, जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस बीच पर घूमने का सबसे सही समय नवंबर से मार्च के बीच माना जाता है। बीच के नजदीक ही आपको आसानी से होटल और झोपड़ियां मिल जाएगी। यहाँ पर पहुँचने के लिए आप फ्लाइट, रेल और बस का सहारा ले सकते हो। फ्लाइट से आने पर डाबोलिम एयरपोर्ट पहुँचना होगा, जो कि इस बीच से 46 किलोमीटर है। वहीं रेलवे से आने के लिए थीविम स्टेशन पहुँचना होगा, जो कि 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा नजदीकी बस स्टेशन पणजी में है, जो कि 17 किलोमीटर दूर है। यह बीच कदम्बा बस स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर है। आप यहां पर बस से या फिर कैब से ऑटो के जरिए पहुंच सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी के महीने यहां घूमने के लिए आदर्श माने जाते हैं। नंबर 10, डेल्टिन रॉयल। गोवा के प्रमुख कैसीनो गोवा आकर अगर आप कैसीनो का मजा लेना चाहते हैं तो डेल्टिन रॉयल कैसीनो का कैसीनो जा सकते हो। यह बहुत ही फेमस कैसीनो है, जो कि पणजी में है। इस कैसीनो के अलावा कैसीनो प्राइड भी काफी लोकप्रिय कैसीनो है। बड़े बड़े स्टार और सेलिब्रिटी इन कैसीनो में जाते हैं और एंजॉय करते हैं। अगर नहीं पता कैसीनो क्या है तो आपको बता दूं कि यह एक जुआ होता है, जिसको खेलने का अलग अलग मशीन होती है, जहाँ पर आप अपने भाग्य को आजमा सकते हो। ये थे गोवा के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इन सब के अलावा गोवा में कुछ और भी बेहतरीन जगह है, जहां पर आप अपनी जरूरत और इच्छा के अनुसार जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में गोवा के 10 प्रमुख पर्यटन स्थल, 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन गोवा के बारे में दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। गोवा बीचों का राजा है और यहाँ पर बीच के अलावा मस्ती करने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन यहाँ पर जाते समय भी आपको बहुत सावधानी बरतनी और किसी की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। गोवा भले ही अच्छी जगह हो, लेकिन यहाँ पर स्कैमर्स खुलेआम स्कैम करते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको किसी अनजान व्यक्ति की चिकनी चुपड़ी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरा ये आज का ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक डन जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर लाइफ।